हाय एवरीवन, वेलकम टू सी एस अकेडमी। कैसे है बच्चों लोग, एकदम ठीक ठाक हो? चलो आज का क्लास शुरू करते हैं। क्लास 12 एक्सरसाइज 13 का सी बुक फॉलो कर रहे हैं, कौन सा? आर एस अग्रवाल। टॉपिक कवर कर रहे हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट, ठीक है ना। ये इस एक्सरसाइज 13 का सी में हमने ऑलरेडी 1 से लेकर के 42 तक हम पिछले वाले क्लास में करा चुके हैं। यदि वीडियो नहीं देखे हैं तो आप पहले उस वीडियो को देखिए, ठीक है ना। और डिफ्रेंशिएशन का पूरा फॉर्मूला और कॉन्सेप्ट पूरा आना चाहिए, अगर ये सही नहीं है तो फिर आपके पास दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, इंटीग्रेशन साइन इनवर्स रूट एक्स डी एक्स है, ठीक है ना। देखिए वीडियो को पूरा देखिए तब जाकर के आपको समझ में आएगा, जहां भी प्रॉब्लम होता है ना आप वीडियो को थोड़ा सा रिमाइंड करके देखिए, पीछे ले जाकर उसको स्टॉप कीजिए फिर से देखिए, ठीक है ना, तब जाकर के समझ में आएगा। चलो क्वेश्चन क्या है आपके पास, साइन इनवर्स रूट एक्स डी एक्स है। इस तरह के क्वेश्चन में आपको क्या करना है, देखो यहाँ पर क्या है, साइन इनवर्स रूट एक्स है। अगर साइन इनवर्स एक्स होता तो अलग होता, यहाँ साइन इनवर्स क्या है, रूट एक्स है। तो आपको क्या करना है ना इसमें कि रूट को खत्म करना है, सॉरी इनवर्स को खत्म करना है। तो इनवर्स आपका कैसे खत्म होता है, इनवर्स आपका कैसे खत्म होता है बोलो सर? जब दोनों फंक्शन क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, तब इनवर्स खत्म हो जाएगा। तो इसके जगह पर आप पुट करेंगे हम रूट एक्स इज इक्वल टू कितना, साइन थीटा। क्यों साइन थीटा पुट करेंगे, क्योंकि इधर से दोनों फंक्शन सेम, यहाँ साइन इनवर्स, यहाँ साइन ला देंगे तब ये इनवर्स खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ देखो इसका डिफरेंशिएट करो तो डी रूट एक्स अपॉन डी एक्स, ठीक है ना, और डी एक्स अपॉन इधर हो जाएगा कितना, डी थीटा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या है, थीटा है, तो इसीलिए हम थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। समझ में आ रहा है, रूट का क्या हो जाएगा, 1/2 रूट एक्स, सॉरी 1/2 रूट एक्स, और यहाँ डी एक्स अपॉन डी थीटा, और इधर साइन थीटा का क्या हो जाएगा, इधर से कॉस थीटा, ठीक है ना। यहाँ देखो अपने जगह 1/2 रूट एक्स और डी एक्स तो सही है, और यहाँ हो जाएगा कॉस थीटा इंटू डी थीटा, इसको इधर ले गए। अब यहाँ पर से देख लो, डी एक्स अपने जगह से इसको इधर ले जाओगे तो 2 रूट एक्स, और यहाँ से हो जाएगा कॉस थीटा, इधर हो जाएगा डी थीटा। डी एक्स अपने जगह बुआ सही है, 2 भी ठीक है। अब देखो रूट एक्स, रूट एक्स की जगह पर क्या माने हैं, साइन थीटा, तो आप यहाँ पर साइन थीटा, इसको लिखिए कॉस थीटा, इधर डी थीटा। तो फाइनली डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का क्या फार्मूला होता है, साइन 2 थीटा इंटू डी थीटा, ठीक है ना। अब फाइनल वैल्यू पुट कर दो, यहाँ साइन इनवर्स अपने जगह सही है, यहाँ है रूट एक्स, तो रूट एक्स की जगह पर क्या पुट करेंगे हम, साइन थीटा। उसके बाद कौन सा, डी एक्स, तो डी एक्स की जगह हम पुट करेंगे साइन 2 थीटा और डी थीटा। देखो दोनों फंक्शन क्या है, सेम है, बचेगा एंगल थीटा, और ये हो जाएगा साइन 2 थीटा इंटू थीटा। इस तरह के क्वेश्चन पीछे खूब किए हैं, किया है ना। तो ये रहा आपका फर्स्ट और ये रहा आपका सेकेंड। तो रूल क्या कहता है, फर्स्ट टर्म को रेस्ट कीजिए, सेकेंड टर्म का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट टर्म का क्या करना है, डिफरेंशिएशन। सेकेंड यहाँ अभी रुक जाओ, माइनस फर्स्ट टर्म का डिफरेंशिएशन, सेकेंड टर्म का फिर से इंटीग्रेशन, और माइनस के बाद पूरे होल का इंटीग्रेशन, ठीक है। अब आ जाओ यहाँ कितना हो जाएगा, देखो आई इज इक्वल्स टू फाइनली थीटा, साइन 2 थीटा का क्या हो जाएगा, माइनस कॉस थीटा, क्योंकि साइन का इंटीग्रेशन माइनस होता है, तो माइनस कॉस कितना है, जैसे 2 थीटा, और एंगल का कोफिशियंट 2 है तो उसके डिवाइड लग जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद जैसे माइनस डी थीटा अपॉन थीटा 1, और साइन 2 थीटा इंटू डी थीटा, इसका फिर क्या हो जाएगा, माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2, इंटीग्रेशन कह रहे हैं तो ये हो जाएगा माइनस कॉस 2 थीटा और अपॉन 2, इधर हो जाएगा डी थीटा। देखो जी यहाँ पर माइनस को पहले लिख लो थीटा, और यहाँ हो जाएगा कॉस 2 थीटा बाई 2, माइनस माइनस इधर प्लस, ये वाला 1/2 को बाहर रखो, यहाँ हो जाएगा आपके पास कॉस 2 थीटा, इधर हो जाएगा डी थीटा। इंटीग्रेशन यहाँ पर फाइनली कितना, माइनस इस 1/2 को ऐसे लिख लो थीटा, उसके बाद कॉस 2 थीटा प्लस 1/2, और यहाँ पर से देखो कॉस 2 थीटा का क्या हो जाएगा, साइन 2 थीटा, और थीटा, और थीटा का कोफिशियंट कितना है, 2 है, उसे डिवाइड लग गया। तो आई स्पोज टू यहाँ 1/2 तो सही है, यहाँ थीटा सही है, कॉस 2 थीटा प्लस 1/4, और यहाँ लिखेंगे हम साइन 2 थीटा। अब क्या है, देखो क्वेश्चन क्या था आपका, एक्स के फॉर्म में आंसर किस में आ रहा है, थीटा के रूप में आ रहा है, तो थीटा को क्या करेंगे हम, एक्स के रूप में चेंज करेंगे, तो अब कॉस थीटा। तो अब यहाँ पर साइन थीटा बराबर कितना है, रूट एक्स है, तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा, थीटा का वैल्यू निकालेंगे तो साइन इनवर्स कितना है, इधर से रूट एक्स हो जाएगा।
कॉस 2 थीटा को हम साइन थीटा के फॉर्मूला में चेंज करेंगे। कैसे चेंज करेंगे, यहाँ देखो ध्यान दो, पहले माइनस 1/2 सही है, ये थीटा अपने जगह सही है। कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस, कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, किसके रिलेशन में, साइन के रिलेशन में, प्लस 1/4 सही है साइन 2 थीटा। तो साइन 2 थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 2 साइन थीटा इंटू कितना, इधर से कॉस थीटा, ये वाला कट गया 1/2 बचा, यहाँ देखो माइनस 1/2 थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ तक तो सही है साइन के फॉर्म में आ गया। यहाँ क्या है देखो 1/2, ये साइन थीटा भी ठीक है, अब ये कॉस थीटा है तो कॉस थीटा को हम साइन थीटा में चेंज करोगे तो साइन स्क्वायर थीटा रूट के अंदर में हो जाएगा, ठीक है ना। अब जहाँ जहाँ साइन थीटा है वहाँ वहाँ रूट एक्स, जहाँ थीटा है वहाँ कोसाइन इनवर्स रूट एक्स दीजिए, तो 1/2 थीटा, थीटा के जगह पर लिखेंगे साइन इनवर्स कितना रूट एक्स 1 माइनस 2 और साइन स्क्वायर थीटा, तो भाई स्क्वायर करोगे इधर से तो साइन स्क्वायर के जगह पर रूट एक्स का स्क्वायर करोगे तो इधर तो एक्स हो जाएगा ना, प्लस 1/2 साइन थीटा के जगह कितना रूट एक्स और रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो रूट एक्स का स्क्वायर करोगे तो सिर्फ क्या हो जाएगा, सिर्फ एक्स हो जाएगा, और प्लस कोई भी कॉन्स्टेंट टर्म सी, फाइनल आंसर आपके पास सही होगा, ठीक है ना। 43 के बाद 44 नंबर क्वेश्चन जो है इसी के आधारित पर है। 44 नंबर क्वेश्चन देखो क्या इंटीग्रेशन उसमें है आपके पास कॉस इनवर्स रूट एक्स और डी एक्स, हम यहाँ पर क्या मानेंगे, दोनों सेम है, सिर्फ फर्क क्या है, एक में साइन इनवर्स है और यहाँ क्या है कॉस इनवर्स एक्स है, तो इसमें क्या पुट करना है आपको, दोनों फंक्शन सेम हो जाए तो भाई कॉस इनवर्स है, यहाँ पर कॉस चाहिए तो आप यहाँ पर क्या कर लीजिएगा कॉस थीटा पुट कर लीजिएगा, फिर जो प्रोसेस से बनाए सेम इसी प्रोसेस से आप क्वेश्चन बनाइएगा, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट लीजिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। बच्चों देखो 45 नंबर क्वेश्चन है कॉस इनवर्स इंटीग्रेशन 4x³ - 3x यहाँ dx, आपको कैसे पता चलेगा कि सर x से जगह क्या पुट करे या यहाँ पर किसको माने, तो सुनो फॉर्मूला याद होगा ना तो फटाफट हो जाएगा। 4 cos³θ - 3 cos θ का फॉर्मूला होता है cos³θ, क्या होता है cos³θ, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ x है और यहाँ भी x है, यहाँ 3 है, मतलब इस x के जगह पर सर अगर cos θ पुट करेंगे तो ये पूरा फॉर्मूला पे लग जाएगा ना, तो फिर लग जाएगा तो लगाओ। इसके लिए लगने से पहले क्या होना चाहिए, फॉर्मूला याद होना चाहिए, समझा। तो पुट x इक्वल्स टू कितना cos θ, डिफ्रेंशिएट कर दो dx/dθ, कॉस का क्या हो जाएगा -sin θ हो जाएगा, तो dx तो सही है, यहाँ हो जाएगा -sin θ इंटू कितना dθ अपने जगह। चलो अब देखो यहाँ कॉस इनवर्स सही है, यहाँ पर से 4x³, तो 4 cos³θ और -3 cos θ और dx के जगह पर क्या देंगे हम -sin θ इंटू dθ लिखेंगे, अरे बोलो हाँ या ना, ठीक है। चलो यहाँ देखो कॉस इनवर्स सही है और यहाँ से यहाँ तक क्या लगेगा फॉर्मूला, कैसा फॉर्मूला, cos³θ, ये वाला माइनस को आप क्या कर दीजिए बाहर लिख दीजिए, यहाँ हो जाएगा sin θ, इधर हो जाएगा dθ, ठीक है। अब देखो दोनों फंक्शन वहाँ सेम है तो क्या बचेगा, इधर एंगल मतलब 3θ इंटू sin θ, यहाँ dθ, 3 कॉन्स्टेंट है बाहर रखो तो θ इंटू इधर sin θ, एकदम सिंपल ही हो गया, फर्स्ट टर्म ही हो गया। सेकेंड टर्म -3 को बाहर रखो, इंटीग्रेशन क्या है, रूल क्या कहता है, फर्स्ट टर्म को रेस्ट कीजिए, सेकेंड टर्म का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट टर्म का डिफरेंशिएशन, सेकेंड टर्म का फिर से इंटीग्रेशन और माइनस के बाद पूरे होल का इंटीग्रेशन, अरे होता है कि नहीं होता है। चलो -3 तो सही है, थीटा सही है और यहाँ sin θ dθ होगा, dθ छूट गया तो sin θ है ये और यहाँ dθ, दिख रहा है। चलो sin θ का होगा -cos θ, तो माइनस को पहले लिख दीजिए, यहाँ cos θ, dθ/dθ 1, तो 1 लिखने का जरूरत नहीं है, sin θ × dθ, यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा कितना -cos θ, इधर से हो जाएगा dθ, यहाँ आप ब्रैकेट लगा दीजिए। -3 तो सही है, यहाँ -3 को बाहर रख दिए, ये वाला को ऐसे उतार दिए, माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, cos का क्या होगा इंटीग्रेशन sin θ, मेरा आपका है, ठीक है ना। अब क्या करना है आपको, जहाँ cos है वहाँ तो सही है और जहाँ sin है वहाँ पर किस में बदलना है, कॉस में बदल दीजिए क्योंकि कॉस का वैल्यू पुट करेंगे हम, यहाँ पर क्या हो जाएगा देखो, इधर से इंटीग्रेशन यहाँ हो जाएगा -3θ cos θ और प्लस sin θ को चेंज कर दीजिए √1 - cos²θ में, चेंज कर सकते हैं
यार वन माइनस इधर से है कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। अब देखो एक्स बराबर कॉस थीटा, तो थीटा को एंगल को फ्री करेंगे तो कॉस इनवर्स एक्स हो जाएगा। तो यहाँ कितना हो जाएगा इंटीग्रेशन माइनस थ्री सही है, माइनस इस थीटा के जगह पर हम लिखेंगे कितना कॉस इनवर्स एक्स, और कॉस थीटा के जगह पर हम क्या लिखेंगे इधर वाई एक्स लिखेंगे, प्लस रूट अंडर वन माइनस कितना है कॉस स्क्वायर थीटा, तो मतलब एक्स स्क्वायर। अब यहाँ माइनस थ्री से मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस थ्री, एक्स को पहले लिख लो और यहाँ हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स, यहाँ हो जाएगा प्लस माइनस माइनस थ्री और रूट अंडर वन माइनस कितना एक्स स्क्वायर प्लस कोई भी कॉन्स्टेंट है सी, यही आपके पास फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है स्क्रीनशॉट लीजिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। बच्चों 46 नंबर क्वेश्चन है, कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, ठीक है ना। अब यहाँ पर x के जगह पर क्या पुट करेंगे, सर आपको सपना आता है क्या पुट करना है? सो यस सर आता है, क्यों आता है, क्योंकि जब ये मैथ बनाते हैं ना तो एक स्टेप वाला आपको दिखता रहेगा, एक स्टेप पहले ही दिखेगा, पहला वाला स्टेप दूसरा स्टेप सर, क्यों? क्योंकि सर यहाँ पर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, ठीक है ना। ये 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा किसका फॉर्मूला आता है, कॉस टू थीटा का। तो क्या देख रहे हैं इसको, इसको कंपेयर करो, क्या सर x के जगह पर tan थीटा हो जाएगा तो ये फॉर्मूला पर आ जाएगा, आ जाएगा रे बोलो, हो जाना आ जाएगा ना। तो चलो यहाँ पर क्या पुट करेंगे हम, यहाँ पुट करो x इक्वल टू कितना tan थीटा, अब यहाँ डिफरेंशिएट dx अपॉन d थीटा, और इधर से कितना हो जाएगा tan थीटा का क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर थीटा। अब यहाँ dx तो सही है, यहाँ sec स्क्वायर थीटा इंटू d थीटा, क्योंकि d थीटा को इधर ले गए। अब लिखिए इंटीग्रेशन कॉस इनवर्स अपने जगह सही है, वन माइनस इधर से एक्स के जगह पर टेन थीटा दोगे तो वन माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और डी एक्स के जगह पर क्या लिखेंगे हम, यहाँ सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा लिखेंगे। ये कॉस इनवर्स तो सही है, वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा वन प्लस कॉस टेन स्क्वायर थीटा कॉस टू थीटा, ये रहा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, दोनों फंक्शन सेम है तो क्या बचेगा एंगल, एंगल मतलब क्या टू थीटा, और यहाँ हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, टू कॉन्स्टेंट है बाहर कीजिए, ये रहा फर्स्ट और ये रहा आपका सेकेंड, टू कॉन्स्टेंट है बाहर रखो, फर्स्ट टर्म को रेस्ट करेंगे, सेकेंड टर्म का क्या करेंगे हम इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट टर्म का डिफरेंशिएशन, और सेकेंड टर्म का क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन, और माइनस के बाद पूरे होल का इंटीग्रेशन, राइट। अभी देखो टू अपने जगह सही है, थीटा सेक स्क्वायर का क्या होता है इंटीग्रेशन टेन थीटा, डी थीटा अपॉन डी थीटा कितना होता है वन, और सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा का सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन टेन थीटा, और यहाँ हो जाएगा डी थीटा, ठीक है। टू अपने जगह सही है, अब यहाँ पर से टेन थीटा भी ठीक है। अब वो देखो टेन थीटा का क्या फॉर्मूला होता है, लॉग मॉड ऑफ कितना सेक थीटा, यानी कॉस का लिखना चाहते हैं तो माइनस लॉग मॉड ऑफ कितना कॉस थीटा हो जाएगा। अब यहाँ पर से फाइनली देखो यहाँ थीटा का वैल्यू निकालेंगे तो थीटा इज प्लस टू कितना हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स, अरे हो जाएगा। अब चलो अब यहाँ पर जो वैल्यू सब है उसको पुट कर दो, आई बराबर थीटा टेन थीटा तो सही है, अब माइनस इधर से हो जाएगा लॉग मॉड ऑफ इधर से कितना है सेक थीटा, सेक तो यहाँ तो है नहीं, अब sec को tan में चेंज कर देंगे, कैसे चेंज करेंगे देखो sec स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है ना, तो अब sec थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं रूट अंडर वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये तो फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पर log mod of sec थीटा इसमें किस में चेंज करेंगे वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा में, क्या सीखे यहाँ पर कि सर यहाँ जो है जो भी टर्म यहाँ मानेंगे ना यहाँ x के जगह पर वही टर्म को आपके पास यहाँ आना चाहिए, यहाँ थीटा तो सही है थीटा के जगह पर tan इनवर्स x, tan थीटा के जगह पर x, लेकिन sec थीटा आ गया ना इसको आपको tan में बदलना होगा, ठीक है ना। जैसे पीछे क्या आता था अगर थीटा x इज इक्वल टू sin थीटा पुट करते थे जो cos में आता था उसमें किसमें चेंज करते थे हम उसको किसमें चेंज करते थे cos को sin में चेंज करते थे, ठीक है ना। उसी प्रकार से हमने यहाँ पर चेंज करा था i इज इक्वल टू यहाँ बाहर में टू छूट गया बहुत टू तो रहेगा, थीटा के जगह हो जाएगा आपके पास टेन इनवर्स एक्स, और टेन थीटा के जगह पर एक्स, और माइनस लॉग मॉड ऑफ रूट अंडर कितना वन प्लस एक्स स्क्वायर, सॉरी वन प्लस कितना टेन स्क्वायर थीटा, तो टेन थीटा के जगह पर एक्स है तो इधर हो जाएगा एक्स स्क्वायर मॉड ऑफ वन। अब इसको हम टू से मल्टीप्लाई कर दो तो टू, इस एक्स को पहले लिख लो टू एक्स, यहाँ हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स माइनस टू, इधर हो जाएगा लॉग मॉड ऑफ कितना रूट अंडर वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कॉन्स्टेंट टर्म सी,
ये मॉड है, ठीक है ना, याद है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी के बेसिस पर हम देखते हैं 47 नंबर, कौन सा क्वेश्चन है 47। इंटीग्रेशन है आपके पास tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्या है tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्या पुट करेंगे, बोलो बोलो क्या पुट करेंगे। ये सर 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, क्या होता है फॉर्मूला 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, इसका फॉर्मूला होता है tan 2 थीटा, क्या होता है फॉर्मूला 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, क्या फॉर्मूला होता है tan 2 थीटा। तो x की जगह पर tan थीटा पुट करेंगे तो आ जाएगा। चलो अब यहाँ पर से पुट कीजिए, पुट x इक्वल्स टू कितना tan थीटा, इसको फिर से डिफ्रेंशिएट तो dx अपॉन d थीटा, और tan थीटा का कितना आ जाएगा sec स्क्वायर थीटा। देखो यहाँ कन्फ्यूज नहीं हो रहा, कहीं कहीं पिछले क्वेश्चन में dx अपॉन dx लिखता है, यहाँ dx अपॉन d थीटा लिखता है, क्यों, क्योंकि सर यहाँ थीटा थीटा के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, ठीक है ना। जहाँ dx अपॉन dx लिखेंगे वहाँ देखना इधर y बराबर अब कुछ x होगा या y बराबर x होगा, ऐसे करके मान सकते हैं, समझे ना। तो इस वाले में कन्फ्यूज नहीं होना था, dx तो यहाँ सही है, यहाँ है sec स्क्वायर थीटा, इस d थीटा को इधर ले गए, ठीक है। अब आ जाओ इंटीग्रेशन tan इनवर्स वो अपने जगह सही है, यहाँ पर से 2x के जगह पर tan थीटा लिखिए, और नीचे में कितना 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा d थीटा, d थीटा के जगह हम लिखेंगे sec स्क्वायर थीटा इंटू d थीटा। tan इनवर्स ये पूरा का क्या फॉर्मूला होगा tan 2 थीटा, और यहाँ हो जाएगा आपके पास sec स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा d थीटा, ठीक है ना। अब यहाँ पर से देखो इंटीग्रेशन हो जाएगा कितना, दोनों फंक्शन सेम है तो क्या बचेगा एंगल, एंगल मतलब कितना 2 थीटा, इधर हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा d थीटा। अब यहाँ देखो इंटीग्रेशन, देखो 2 को बाहर कर दो, ये रहा थीटा और ये रहा sec स्क्वायर थीटा d थीटा, ये फर्स्ट और ये रहा आपका सेकेंड, क्या सेम आ गया, यहाँ से देखो तो सेम है एकदम सेम है 2 थीटा sec स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। अब इसके आगे कैसा बनेगा, सेम एज कितना 46 नंबर की तरह, समझ आएगा, सेम टू सेम यहाँ से है ना वैल्यू पुट करना है, ठीक है ना। चलो स्क्रीनशॉट लो फिर हम आगे बढ़ते हैं। बच्चों 48 नंबर क्वेश्चन है, tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर, अब यहाँ x की जगह क्या पुट करोगे, तो देखो इसके लिए क्या फॉर्मूला होता है 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा 1 अपॉन 1 माइनस कितना 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। अब यहाँ पर से क्या हो जाएगा, x की जगह पर कितना tan थीटा पुट कर दो, ये हो जाएगा tan 3 थीटा, ठीक है ना। देखो लग रहा है ना एकदम पूरा का पूरा, किसे अगर x की जगह पर tan थीटा पुट कर देंगे तो आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें क्या पुट करेंगे हम, पुट x इक्वल्स टू कितना tan थीटा, तो dx अपॉन इधर कितना हो जाएगा d थीटा, और sec थीटा का क्या हो जाएगा, सॉरी tan थीटा का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर थीटा, तो dx यहां सही है sec स्क्वायर थीटा, d थीटा इधर आ जाएगा। अब देखो यहां इंटीग्रेशन tan इनवर्स, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ tan थीटा पुट कर दीजिए, तो 3 tan थीटा माइनस इधर से tan क्यूब थीटा, और 1 माइनस इधर से 3 tan स्क्वायर थीटा, और यहाँ हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा इंटू d थीटा, ठीक है। इंटीग्रेशन यहाँ पर से है tan इनवर्स, ये पूरा का फॉर्मूला कितना हो जाएगा tan 3 थीटा, और ये रहा आपका sec स्क्वायर थीटा, और यहाँ रहा d थीटा। फिर से देखो दोनों फंक्शन सेम है, क्या बचेगा एंगल 3 थीटा, इधर sec स्क्वायर थीटा d थीटा, 3 कांस्टेंट है बाहर कर दो, ये रहा थीटा sec स्क्वायर थीटा, ये रहा d थीटा, फिर से ये फर्स्ट टर्म, और ये रहा आपका कौन सा, फिर से देखो सेम आ गया कौन सा। अब इसके बाद कैसा बनेगा, सेम एज कैसा आ गया 46 नंबर, यही था ना सेम एज कौन सा 46 नंबर क्वेश्चन, इसके आ गया इसी, ठीक है। मतलब क्या दे रहे हैं 46 47 थोड़ा थोड़ा चेंज है, बाकी सबका प्रोसेस यहीं पर आकर रुक जाता है थीटा और sec स्क्वायर थीटा पर, ठीक है ना, कर लोगे इसके आगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम 49। हाँ यहाँ देखो 49 नंबर क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन साइन इनवर्स x अपॉन इधर से x स्क्वायर इधर dx है, ठीक है ना। अब इस वाले में सोच करके बताओ कि किसमें क्या पुट करेंगे, सोचो 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 जल्दी 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 49 नंबर में क्या पुट करेंगे, अरे बताओ क्या पुट करेंगे,
नहीं समझ में आया? देखो हम क्या बोल रहे हैं हमेशा कि सर इनवर्स फंक्शन खत्म करना, तो इनवर्स कैसे खत्म होगा, एक्स के जगह पर दोनों फंक्शन सेम होता है तब एक्स के जगह पर क्या साइन थीटा पुट कर दीजिए, यहाँ पुट एक्स इज कॉस टू कितना, यहाँ साइन थीटा, डिफरेंशिएट करो डी एक्स अपॉन डी थीटा, साइन का क्या हो जाएगा कॉस थीटा, डी एक्स अपनी जगह सही है, यहाँ रहा कॉस थीटा इंटू डी थीटा, इसको बाई क्रॉस कर दिए तब, अब इंटीग्रेशन साइन इनवर्स वो अपनी जगह सही है और x के जगह पर क्या इधर से साइन थीटा और नीचे में इधर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, डी एक्स के जगह पर कितना जाएगा कॉस थीटा इंटू डी थीटा, दोनों फंक्शन सेम है बचेगा एंगल, और यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ये रहा आपका कॉस थीटा, इधर रहा डी थीटा, ठीक है ना। देखो चेंज करना है थीटा सही है, देखो यहाँ पर हम एक साइन थीटा यहाँ और कॉस थीटा, और ये देखो साइन स्क्वायर थीटा को हम ऐसे लिख सकते हैं एक साइन थीटा यहाँ एक साइन थीटा यहाँ, थीटा सही, ई साइन थीटा वन बट्टा साइन थीटा क्या हो जाएगा इधर से कोसेक थीटा, कॉस बट्टा साइन ये क्या होता है कॉट होता है, और ये रहा डी थीटा, इसको ब्रैकेट में लेकर के इसको फर्स्ट टर्म, इस पूरा को यहाँ से यहाँ तक इसको सेकेंड टर्म मानिए, ठीक है ना। रूल क्या कहता है कि सर फर्स्ट टर्म को रेस्ट कीजिए और सेकेंड टर्म का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट टर्म का डिफरेंशिएशन और सेकेंड टर्म का फिर से इंटीग्रेशन और माइनस के बाद पूरे होल का इंटीग्रेशन, यही कहते हैं ना। चलो थीटा तो सही है पर कोसेक थीटा इंटू कॉट थीटा क्या होता है फॉर्मूला, माइनस कोसेक थीटा, माइनस यहाँ लिख दो, यहाँ लिख दीजिए आप कोसेक थीटा, डी थीटा अपॉन डी थीटा कितना आता है वन, और कोसेक थीटा इंटू कॉट थीटा ये क्या होता है माइनस कोसेक थीटा, और ये रहा डी थीटा, और यहाँ ब्रैकेट लगाओ, तो फाइनली इंटीग्रेशन आपके पास हो गया माइनस थीटा, इधर से हो जाएगा कोसेक थीटा माइनस माइनस प्लस, और यहाँ से हो जाएगा कोसेक थीटा डी थीटा। देखो अब यहाँ से कितना हो जाएगा माइनस थीटा, यहाँ कोसेक थीटा अपने जगह सही है, और कोसेक का क्या इंटीग्रेशन होता है लॉग मॉड ऑफ कितना कोसेक थीटा, और माइनस इधर से कितना होता है कॉट थीटा, होता है आई बराबर माइनस थीटा, कि कोसेक को वन बट्टा साइन थीटा नीचे में लिख लो, प्लस लॉग कि कोसेक को वन अपॉन कितना करना है साइन थीटा, क्योंकि सबको क्या किस में चेंज करना है साइन में चेंज करना है, ठीक है ना। और कॉट को हम क्या लिख सकते हैं, कॉट को हम क्या लिख सकते हैं कॉस थीटा अपॉन कितना यहाँ साइन थीटा लिख सकते हैं। अब देखो आई इज कॉस टू माइनस थीटा और अपॉन कितना इधर साइन थीटा प्लस लॉग वन बाई साइन थीटा, यहाँ सही है, यहाँ कॉस है तो कॉस को आप साइन एस में चेंज कर दिए तो रूट अंडर वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ हो जाएगा साइन थीटा। अब जहाँ जहाँ साइन थीटा है वहाँ वहाँ एक्स पुट कर दीजिए, और जहाँ थीटा है वहाँ साइन इनवर्स एक्स पुट कर दीजिए, माइनस इधर से थीटा, थीटा के जगह पर हो जाएगा इधर कितना साइन इनवर्स एक्स, और साइन थीटा के जगह पर एक्स प्लस से लॉग वन बट्टा साइन थीटा, यहाँ एक्स माइनस इधर से रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर हो जाएगा एक्स प्लस कोई भी कॉन्स्टेंट टर्म से। अगर आंसर नहीं मिलेगा नीचे में क्या करना रूट एक्स सॉरी एक्स को एलसीएम ले लीजिएगा, ठीक है ना। स्क्रीन शॉट लीजिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। बच्चों 50 नंबर क्वेश्चन करते हैं, इंटीग्रेशन टेन सॉरी क्या है टेन एक्स एक्स स्क्वायर एक्स वन माइनस टेन स्क्वायर, ये पिछले वाले एक्सरसाइज में भी था, याद तो नहीं होगा, ठीक है, याद होगा तो अच्छी बात है, नहीं याद होगा तो और अच्छी बात है। देखो कैसे इस वाले क्वेश्चन में क्या करेंगे, नीचे वाले को पूरा को मान लेंगे, कैसे डिफरेंशिएट करो तो डी वाई अपॉन डी एक्स डी वन, और इधर कितना हो जाएगा डी एक्स, यहाँ देखो टेन का स्क्वायर है तो डी क्या लिखेंगे टेन एक्स का होल स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा डी टेन एक्स, यहाँ हो जाएगा डी टेन एक्स ऊपर, और नीचे में कितना हो जाएगा डी एक्स, कितना हो जाएगा यहाँ डी एक्स। अरे बात समझ आई, डी वाई अपॉन डी एक्स अपनी जगह सही है, वन कॉन्स्टेंट है तो जीरो, इसका पावर वाला क्या लिखते हैं पहले पावर लिखो, यहाँ टू टेन एक्स, और टेन एक्स का कितना हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, देखो सेक स्क्वायर एक्स, यहाँ टेन एक्स आ गया, तो डी वाई तो सही है, यहाँ पर हो जाएगा माइनस टू टेन एक्स, और यहाँ हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, ये वाला डी एक्स को यहाँ सटाओ। क्वेश्चन में क्या है माइनस टू का ही नहीं है, तो इस वाले माइनस टू को क्या करेंगे डी वाई के नीचे में ले आओ, तो यहाँ पर हो जाएगा आपके पास टेन एक्स, यहाँ हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, और यहाँ हो जाएगा डी एक्स, ठीक है ना। अब चलो वैल्यू सब सब्स्टिट्यूट करो, इंटीग्रेशन
दिस वन इंटू दिस वन इंटू डी एस के जगह पर क्या पुट करेंगे, डी वाई बाई माइनस टू, तो डी वाई आर अपॉन कितना माइनस टू, और नीचे में वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स के जगह पर क्या पुट करेंगे वाई, तो माइनस वन बाई टू सही है, ये रहा आपका डी वाई आर अपॉन कितना वाई, माइनस वन बाई टू इसका कितना हो जाएगा लॉग मॉड ऑफ वाई, माइनस वन बाई टू ठीक है, लॉग भी ठीक है अपने जगह, अब ये रहा वाई और वाई के जगह पर क्या पुट करेंगे वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स, तो वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स प्लस कोई भी कॉन्स्टेंट टर्म सी, फाइनल आंसर इतना ही होगा। ठीक है, आज का क्लास यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं हम अगले वीडियो में। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें इसको, और साथ ही साथ क्या वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए। ठीक है ना, उम्मीद करते हैं पढ़ाई समझ में आ रहा होगा। ठीक है ना, जब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, मिलते हैं हम अगले एपिसोड में, लेते हैं छोटा सा ब्रेक।